हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन एसएससी सीजीएल टीयर 2 2010 का क्वेश्चन आइए। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10% देन इट्स एरिया डिक्रीज्ड बाय 1% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? सर हमें मालूम है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ये फार्मूला होता है। अब ए क्या है सर? 10% प्लस में 10। बी क्या है? माइनस में 10। बी डिक्रीज वाला हम लोग बी पकड़ लेते हैं और ए पकड़ लेते हैं इंक्रीज वाला। माइनस 10 × 10 क्योंकि ये बी का माइनस आ गया सामने बाय 100 तो कट गया। क्या हो रहा है सर? 10 − 10 − 1 तो यहाँ से 10 10 कट गया, ये माइनस वन आ रहा है। माइनस वन कौन सा डिक्रीज का सिंबल? तो −1%। अब सर आपको लग रहा है कि सर ये तो आपने फार्मूला बता दिया, अब नॉर्मल वाला प्रोसेस बताइए। ये फार्मूला आप एग्ज़ाम में इसी को अप्लाई करेंगे लेकिन नॉर्मल वाला भी सीख लीजिए। पहले था आपका साइड, पकड़ लेते हैं कौन सा था रेक्टेंगल का साइड। पहले 10 था एक साइड और दूसरे साइड वो भी 10 पकड़ लेते हैं, ठीक है? हिसाब चल करने के चलते सुविधा हो जाएगा। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब लेंथ को इंक्रीज़ कर दिए कितने प्रतिशत? सर इंक्रीज्ड बाई 10%। अच्छा इसको 20 कर देते, नहीं तो कोई बोलेगा सर इसीलिए सेम हो जा रहा है आपका, 1 आ जा रहा है। लेंथ को इंक्रीज़ किया कितना? 10%। 10% मतलब बढ़ के 11 हो गया, ठीक है? 1/10 होता है, 10 बढ़ के 11 हो गया। अब ब्रेथ को डिक्रीज़ किया कितना? सर माइनस कर दिए, डिक्रीज़ किया 10%। 10% मतलब 10 था 9 हो गया, तो 20 था 18 हो गया। पहले लेंथ और ब्रेथ मतलब एरिया कितना था? सर एरिया था 20 × 10 = 200। अब एरिया कितना हो रहा है? 10 × 11 × 18 मतलब 198। तो कितना घटा? 2 घटा। किस में घटा? 200 में घटा। कितना प्रतिशत? × 100 तो 200 यहाँ पे, तो 100 100 कट गया तो 1%। 1% क्या है सर? डिक्रीज़ है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।